मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग अवेयरनेस प्रोग्राम बोल के। सो आज का दिन मैंने बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सो मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं दिया तो यू कैन टेक्स्ट मी, या मेरा आवाज सुनाई नहीं दिया तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरा ये दिखाई नहीं दिया तो वीडियो। सो MLM अवेयरनेस प्रोग्राम। सो आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या ये किसी को नहीं पता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग MLM क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें पैसा है, सक्सेस है, हम जल्दी अमीर बन सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ऐसा एक 10-12 कारण हमारे साथ है, तो इसके लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। और 99% लोग आज जो मैं देने जा रहा हूँ एजुकेशन उसके बारे में नहीं जानते हैं, अभी तक नहीं दिया। आप YouTube में देखो, गूगल में देखो, किसी पे भी देखो, नहीं दिया है। सो इसके लिए ये आपको सेमिनार, ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे तक आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा अलर्ट रहिए। ओके, सो MLM अवेयरनेस मैंने क्यों रखा है, MLM अवेयरनेस, MLM में बहुत सारे लोग कर रहे हैं मगर उनको अच्छा सा जानकारी नहीं है क्या लीगल है क्या इलीगल है। ओके, सो आज मैं आपको वो टॉपिक पे लेके जाने वाला हूँ, आप आज का कुछ क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको भी मालूम है। सो दिस इज माय ब्रांड नेम MLM शरद। सो आई एम अवेलेबल इन यूट्यूब, इंस्टाग्राम में भी MLM शरद बोल के मेरा ग्रुप है, सो फेसबुक, सारे सोशल मीडिया में अवेलेबल हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो आप मुझे टच में भी रह सकते हो। सो आई विल टेक, ये मेरा गुरुकुल है, मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, सो मेरा जो गुरुदक्षिणा आता है उसमें से मैं हेल्प करता हूँ लोगों के लिए ये सारे चीज। ओके, सोशल वर्क भी करता हूँ। सो बेसिकली आई वाज अ केमिकल इंजीनियर और ऑथर भी हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे किताबें मैंने लिखी हैं। सो लाइफ कोच एंड एज वेल एज अ कंसल्टेंट डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी हूँ। सो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे इसमें हुआ है और लाखों हजारों स्टूडेंट्स मेरा भी है और ऑल ओवर इंडिया कंट्री में भी मेरा स्टूडेंट्स है। ये सारे लैंग्वेजेस में मैंने ट्रेनिंग भी लिया है, वर्ल्ड वाइड भी स्टूडेंट्स से कंसल्टेशन भी दिया हूँ। ये सारे चीज हमारे पेपर में आए थे, ओके, लोकल बैंगलोर कर्नाटक का पेपर में। सो ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग स्कूल भी है बैंगलोर में, ये मैं चलाता हूँ। गुड, सो मैं दिल्ली कंज्यूमर अफेयर्स को भी मैंने विजिट किया था। सो आज जो भी डायरेक्ट सेलिंग का लीगलिटीज है वो इसमें आता है, कंज्यूमर अफेयर्स में। सो 2016 एक गाइडलाइन निकला डायरेक्ट सेलिंग का। सो वो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाया है, ड्राफ्ट बनाया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वो कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है। सो ये कृषि भवन है, यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर्स है, मैं गया था वहां पे जाके मिलके, सो डिस्कशन करके भी आया था व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सच्चाई क्या है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोल के, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना समझे, बिना कुछ विजिट किए और बिना जानकारी कुछ भी बोलते रहते हैं। सो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, कहाँ पे भी देख सकते हो, हाफ नॉलेज रहता है। सो मैं मेरा स्टूडेंट लोगों को हाफ नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ, जो भी है वो परफेक्ट और विथ प्रूफ नॉलेज देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जाके रिसर्च करके सभी स्टडी करने के बाद मैं आपको ये आज कुछ सच्चाई डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ लीगलिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको कृषि भवन में अंदर जाने के लिए ऐसा तस्वीरें लेता है, वहाँ पे लेते हैं। सो आई विजिटेड इन 2018 में मैंने वहाँ पे जाके विजिट किया था। सो ये एंट्री टिकट है वहाँ पे अंदर जाने के लिए, ऐसा रहता है। ओके, गुड। मैंने बैंगलोर में बहुत सारे प्रेस मीट भी किए थे और नेटवर्कर्स डे December 23rd, सो उस दिन भी मैंने न्यूज़पेपर में भी जाके बात किया था। सो डायरेक्ट सेलिंग 20% ग्रोथ हुआ है कोरोना लॉकडाउन टाइम में भी। सो ये सभी पेपर में आए थे हमारे लोकल कन्नड़ा पेपर में। सो ये सारे किताबें भी है, मैंने बहुत सारे किताबें भी लिखा है। सो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको करना चाहता हूँ। सो हाफ नॉलेज इज नॉट एंटरटेन्ड हियर। सो डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, आजकल 99% लोग हाफ नॉलेज वाले लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। कोई एक अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया, कुछ बातें कर दिया, तो ये लोग समझ लेंगे कि हाँ ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सभी जानता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। ओके, 99% लोग जो थीम है वो बेसिक है नेटवर्क मार्केटिंग, वो नहीं जानते। सो 99% लोग भड़काने वाले काम करते हैं, नहीं तो हाफ नॉलेज दे जाते हैं, क्योंकि वो भी हाफ नॉलेजफुल पर्सन है। सो मेरा ये क्लास का मतलब यही है, आपको 100% नॉलेज मिले और जो सच्चाई है वही मिले आपको, जो फैक्ट है वो मिले। तो इसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा हम आगे जाएंगे। सो लास्ट वीक में एक न्यूज़पेपर में भी आया कन्नड़ में, सो चाइनलिंक कंपनीज आर गोइंग टू बैन, ऐसा। ओके, और सेम थिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। सो गवर्नमेंट इश्यूइंग डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशन फॉर द डायरेक्ट सेलिंग बोर्ड बोल के। सो कंज्यूमर अफेयर्स में भी इसका चर्चा हो रहा है, क्या गाइडलाइन सही है गलत है बोल के। और तेलुगु न्यूज़पेपर में भी आया था चाइनलिंक कंपनियों को बैन करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम इशू हुआ था, प्रॉब्लम शुरू हुआ था
सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गए थे चेन लिंक क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो मैंने बैंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, ओके, डायरेक्ट सेलिंग लीगल कंपनी यूनियन बोल के बना के, सो चेन लिंक क्या क्या है उसको बैन करना है बोल के एक प्रेस मीट भी मैंने करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी मैंने एक मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजा था। ये तेलुगु न्यूज़पेपर में भी आया था, मैं आपको शेयर करूंगा, और तमिल न्यूज़पेपर में भी आया था। ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज बन गया था, लोगों को पता चला चेन लिंक अलग है डायरेक्ट सेलिंग अलग है बोलते। तो मैंने कॉन्फ्रेंस किया था, इंडिया में फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेन लिंक कंपनियों को बैन करना है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को गवर्नमेंट सपोर्ट करना है बोल के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ओके, ये पावर टीवी बोल के हमारे लोकल चैनल है कर्नाटका का, बैंगलोर का, सो उसमें भी आया था उसका एक न्यूज, मैं वो क्लिपिंग्स आपको शेयर करूंगा। ओके, वहां पे हमने क्या डिमांड किए थे प्रेस मीटिंग में, बहुत सारे विषय हमने डिमांड किए थे। एमएलएम गाइडलाइन टू रूल्स आना है, सो एमएलएम जो गाइडलाइन है अभी रूल्स में आना है बोल के, अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में रूल्स होने वाला है। ओके, और गवर्नमेंट हैव टू टेक ए स्ट्रांग एक्शन ऑन नॉन वर्किंग प्लान्स और चेन लिंक कंपनीज के ऊपर, एक गवर्नमेंट स्ट्रांग एक्शन लेना है बोल के भी हमने सरकार को एक रिक्वेस्ट किए थे। तो एमएलएम क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एमएलएम में एक अच्छा सा क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए बोल के, और एमएलएम एजुकेटेड नेटवर्कर्स भी बनाना है बोल के, एक फ्री मेंबरशिप फॉर द ऑल नेटवर्कर्स बोल के। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापन किया था ऑल इंडिया नेटवर्कर्स एसोसिएशन बोल के। ओके, तो मैं वो आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे नया गाइडलाइन में डायरेक्ट सेलिंग 2021 में गाइडलाइन जाके अभी 21 में एक नया रूल्स आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ये DPIIT बोल के इन्होंने मेंशन किया है। अभी सारे कंपनियां जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एग्जिस्टिंग है और जो भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बनने वाले है, नया स्टार्टअप होने वाले है, उनको DPIIT में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। ये क्या है DPIIT? ओके, इट्स ए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या भी होता है हमारे दुनिया में, वर्ल्ड वाइड या इंडिया में जो भी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होता है उसका गाइडेंस और उसका लीगलिटीज ये लोग देखते हैं, DPIIT वाले देखते हैं। तो इसके लिए हमारा जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है वो DPIIT के अंडर आते हैं, अभी नेक्स्ट रूल्स में आते हैं। तो ये पेपर में छापा था। ओके, इन्होंने ये किया था कि पेपर में, न्यूज़पेपर में, अभी जो भी कंपनियां से नेक्स्ट टाइम से उनका जो इनवॉइस बिलिंग राइज होता है तो वो GST के साथ DPIIT का एक नंबर आता है, कोड आता है, सीक्रेट कोड, वो भी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना जरूरी है बोल के। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके बारे में कोई भी नहीं चर्चा करेगा, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देके मेरा बातों को सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो इन्होंने मेजर क्या किया है, ये DPIIT का एक कोड जनरेट होता है, वो कोड हर एक इनवॉइस में, जो भी वो कंपनी का बंदा प्रोडक्ट लेगा उसके इनवॉइस में जैसा GST का नंबर होता है उसी तरह सा उसके DPIIT का नंबर भी वो इनवॉइस में होना चाहिए, ये इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है। ओके, चलो मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाता हूँ। DPIIT का मतलब ये होता है। तो इसको कैसा बनाना है, ये सर्टिफिकेट हमारा कंपनी को है या नहीं, ये डरने का बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको सभी समझाते आऊंगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके, सो MD सर जो है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको समझा दूंगा। आर यू क्लियर? तो इसको कैसा करना है, क्या करना है, A to Z मैं आपको समझाते जाऊंगा, तो थोड़ा मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने ये क्लियर कर दिया है, कोई भी बंदा एक कंपनी चलाता है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें लीगल पेपर्स होना बहुत ही जरूरी है। तो लीगल पेपर्स होता क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस है अभी मार्केट में, ऐसा ही MLM बिजनेस बोल के आता है। सो MLM का सर्टिफिकेट अलग है, जैसे समझो एक कार है, तो वो कार का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, येलो बोर्ड व्हाइट बोर्ड बोल के हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि वो कार किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो येलो बोर्ड होता है, हम टैक्सी चलाते हैं तो हम येलो बोर्ड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं कार व्हीकल फोर व्हीलर तो हमको व्हाइट बोर्ड सर्टिफिकेट लेना है। तो व्हाइट बोर्ड का लीगलिटीज अलग है, व्हाइट बोर्ड का लीगल फीस अलग है, व्हाइट बोर्ड बनाने वाले अलग है,
येलो बोर्ड बनाने वाले अलग हैं, येलो बोर्ड का फीस अलग है, येलो बोर्ड का सिस्टम ही अलग है। ये मैंने एक एग्जांपल क्यों दिया आपके, क्योंकि हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो हम लोगों को एक कॉमन एग्जांपल देने से हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये सभी लोगों को पता है येलो बोर्ड अलग है, व्हाइट बोर्ड अलग है बोल के, तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अभी एज इट इज गवर्नमेंट भी ऐसा ही रूल्स बनाया है 2021 में, जो भी कंपनियां एग्जिस्टिंग है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं इंडिया में, इन लोगों को कंपलसरी है उनका सर्टिफिकेट्स अपडेट करने का। और जो लोग बनाना चाहते हैं नया कंपनीज, उन लोगों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो MLM का सर्टिफिकेट ही बनाए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोई CA के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमको एक बिजनेस चलाना है। वो पूछता है कि क्या क्या करना है, सर हमको चीज देना है, कुछ चीजें बेचना है। वो बोलेगा कि सर आप एक पैन कार्ड ले लो, एक फर्म रजिस्टर कर लो, पैन ले लो, GST ले लो और चलाते जाओ। क्योंकि ये CS को CA को भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये लीगलिटीज है क्या, तो 99% लोग भी इसके बारे में कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको ये एजुकेशन दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का सर्टिफिकेट्स अलग बनाया है। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो ये सर्टिफिकेट्स आपको लेना है, अगर आपको MLM करना है ये सर्टिफिकेट्स आपको लेना है बोल के बाइफर्केशन कर दिया है। जब बाइफर्केशन होता है तब हमको क्लैरिटी मिलता है दोस्तों, हाँ ये सही है ये गलत है बोल के हमको क्लैरिटी मिलता है। ओके, आप एक मार्केट में एक येलो बोर्ड जा रहा है तो आप देखते ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगा ना, ये कार येलो बोर्ड है, इट इज फॉर कमर्शियल यूज बोल के आपके दिमाग में क्लैरिटी मिल जाता है, क्योंकि उसको सेपरेशन किया है गवर्नमेंट ने। सो यही सेपरेशन अभी डायरेक्ट सेलिंग में भी आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना ही पड़ेगा। ओके, तो आगे क्या होने वाला है, तो डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने पार्ट ये बोल के कुछ पेपर्स इन्होंने तैयार किया है। तो आपको कंपनी चलाना है या बनाना है तो आपको 100% ये कंपनी के पार्ट ये सर्टिफिकेट्स कंपलसरी चाहिए। तो पार्ट ये में क्या क्या सर्टिफिकेट्स आते हैं, क्या होते हैं, मैं आगे का वीडियो में भी बताऊंगा सेमिनार में, नहीं तो आपको कॉन्टेक्ट करो, मैं सर को बता के आपको क्लियरिटी देता हूँ। पार्ट बी का सर्टिफिकेट अलग बनाया है, पार्ट सी का सर्टिफिकेट अलग बनाया है। So, एक MLM कंपनी के लिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा तीन गाइडलाइंस है, ये तीन गाइडलाइंस को भी इन्होंने फुलफिल करना ही चाहिए, तब जाके एक MLM का सर्टिफिकेट्स 100% बनेगा, लीगलिटीज में आएगा, वो कंपनी लीगल में आएगा। ओके, तो ये सारे चीज मैंने कैसा जाना, ये सारे चीज मैंने इतना क्लैरिटी से कैसा बोला, तो ये भी आपको डाउट हो सकता है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना के दिया है, सॉफ्टवेयर का भी सर्विस दिया है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड भी, और बहुत सारे कंपनियों को प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर चुका हूं और प्रोडक्ट्स भी बना के दिया हूं, और बहुत सारे कंपनियों को लीगलिटीज भी मैंने फुलफिल किया है, और अभी वो बहुत सारे टॉप 1 पे चल रहे हैं कंपनियां। ओके, और बहुत सारे कंपनियों को प्लान भी डिजाइन करके दिया है, जनरेशन प्लान, ऐसा कुछ भी प्लान है डिजाइन करके दिया है। ये सारा एक्सपीरियंस मेरे पास आने के बाद, और मैंने कंज्यूमर अफेयर्स को भी विजिट किया है, और बहुत सारे पेपर्स मैंने भी पढ़ा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, 16 years of experience मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हुआ है। तो मैंने आपको कुछ पेपर्स भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या डिमांड किए थे गवर्नमेंट वाले। ओके, सो दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग पेपर्स हैं। सो गवर्नमेंट वाले ये डिमांड किए हैं कि ड्राफ्ट में डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन होना कंपलसरी है। ओके, और उन्होंने क्लैरिटी भी दिया है, मैंने बताया ना दोस्तों, आप सभी जानते हैं ऑल इंडिया नेटवर्कर एसोसिएशन, ये मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, यहाँ पे सारे नेटवर्कर्स को एक जगह पे लेके एक स्ट्रेंथ देना चाहता हूँ, एक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाइए। और आप सभी जानते हो कि मैंने बहुत सारे किताबें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लिखा है, अति शीघ्र में आपको भी मैं मिलके ये सारे किताब देने वाला हूँ। आपको किताबें चाहिए तो 9739313938 नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको हिंदी और इंग्लिश में किताबें मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप तो सभी जानते होंगे मैं डायरेक्ट सेलिंग कोच और कंसल्टेंट हूँ, बहुत सारे कंपनियों के लिए कंसल्टेशन दिया हूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर चाहिए तो या प्रोडक्ट चाहिए तो, नहीं तो उनको बिजनेस प्लान डिज़ाइन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, वो भी मैंने बता के दिया है, और कैलकुलेशन करके दिया है, डिज़ाइन भी करके दिया है, और लीगल पेपर्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन ये है कि लीगल पेपर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में भी मैं क्लैरिटी दे चुका हूँ। आपको भी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। दोस्तों, ये वीडियो टर्म्स एंड कंडीशन अपलोड है, और आपको इसका पार्ट 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पार्ट 2 वीडियो भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये वीडियो को सारे लोगों को शेयर करो, आपके अपलाइन डाउनलाइन टीम वालों को, सभी लोगों को शेयर करना मत भूलिए।